वालेकुम। आप सभी को रमजान मुबारक हो। और आज की रेसिपी है चावल की फिरनी। उसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम चावल। इसे हमें धो के धूप में सुखा के रखना है। मिल्कमेट लेंगे, यहाँ पे मैंने होममेड मिल्कमेट बनाया आधा लीटर का। इलायची पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। 10 बादाम लेंगे, इसे बारीक टुकड़ों में कट करके रखना है। केसर लेंगे हम जरूरत के हिसाब से। पिस्ता लेंगे थोड़ा सा, इसे भी बारीक कट करके रखना है। और 1 लीटर दूध लेंगे। सब में पहले हम दूध को बॉईल करने रखेंगे गैस पे, तेज आंच करेंगे और दूध को अच्छे से बॉईल होने देंगे। साथ साथ में हमें चावल को पीसना है। मिक्सी पॉट ली हूँ मैंने। चावल को हमें दरदरा पीसेंगे, ज्यादा बारीक नहीं करेंगे। इसे दरदरा पीस के निकालेंगे। चावल हमारा पीस के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें दरदरा करना है और दूध की तरफ आएंगे। दूध भी बॉईल हो चुका है, दूध में उबाल आ चुका है। अभी हम गैस को कम करेंगे और इसमें चावल ऐड करते जाएंगे। चम्मच से चलाते रहेंगे और चावल धीरे धीरे ऐड करेंगे इस तरीके से, और चम्मच भी चलाते रहिए। इसकी गुठली बनने नहीं देने है हमें, लगातार इसे चम्मच से चलाते रहेंगे जब तक हमारे चावल अच्छे से पक ना जाए। चावल को पकते हुए हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। दूध के साथ में आप देख सकते हैं दाने कैसे दिख रहे हैं, पूरे खुले खुले। बस इसी तरह से हमें पकाना है। अभी तक चावल पके नहीं है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी केसर, कुछ धागे डालूंगी केसर के। मिला देंगे इसे और पकने देंगे हम, लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। चावल हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। एक एक दाना अच्छे से पक गया है और खुला खुला भी हो गया। अभी हम बाकी की चीजें सब ऐड करेंगे। इलायची पाउडर डालूंगी, मिला देंगे। साथ में ड्राई फ्रूट डालेंगे कटा हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा हम गार्निश के लिए रखेंगे। पिस्ता ऐड करूंगी, बादाम ऐड करूंगी, इसे भी मिला देंगे। और साथ में हम मिल्क मेट ऐड करेंगे। सारा मिल्क मेट डालेंगे। और इसे मिलाएंगे, लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे। और हमें इसे 10 मिनट पकाना है। फिरनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं चावल के दाने अच्छे खिले खिले हो गए और पक गए। अभी हम गैस को बंद करेंगे और इसे निकाल देंगे और इसे बाउल में निकालते जाएंगे हम। सारे बाउल में निकालेंगे फिर गार्निश करेंगे। इसी तरह से सारे बाउल में डालते जाएंगे। फिरनी हमारी डाल के हो चुकी है बाउल के अंदर। अभी हम इसे गार्निश करेंगे। तो थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे हम ऊपर से, और बादाम ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये
इसी तरह से सारे बाउल में हम गार्निश करेंगे। और हमें एक घंटे के लिए इसे ठंडा करने रखना है फ्रीज में, तो एक घंटे के लिए हम ठंडा करने रख देंगे, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। फिरनी हमारी ठंडी हो चुकी है, एक घंटा हो गया, इसे मैंने फ्रीज से निकाली हूँ। मैं इसका बताती हूँ आपको टेक्सचर, चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से तैयार हुई है, इसे हम अभी सर्व करेंगे ठंडा ठंडा। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।